चलें जी, जबरदस्त। एक काम करते हैं, आज की क्लास के हमारे कुछ एजेंडा है। आज हमारे पास 3 घंटे की क्लास है, सही है। एक सेशन हमारा मगरिब से पहले तक का होगा, एक सेशन हमारा इंशाल्लाह मगरिब के बाद होगा। आज की क्लास का जो हमारा एक सेशन है, सबसे पहला सेशन ये हमारे जो हमने डिस्कस करना है आज, हमने ओवरऑल CFAP 2 के सिलेबस को डिस्कस करना है कि ये कितना स्कैटर्ड सिलेबस है और सबसे बड़ा मसला इसके अंदर क्या है। सबसे बड़ा मसला इसके अंदर ये है कि सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा रेगुलेशंस हैं इसके अंदर। रेगुलेशंस के अलावा बहुत सारी कंपनीज के ऊपर डिफरेंट रेगुलेशंस अप्लाई होती हैं, डिफरेंट सेक्शंस अप्लाई होते हैं, डिफरेंट लॉज अप्लाई होते हैं। सबसे पहले आज हमने पहला काम ये करना है, अगले आधे पौने घंटे तक इस सिलेबस को पूरा खोल के हमने रख लेना है कि सिलेबस में है क्या क्या चीज हमारे पास। जब वो सिलेबस हमारे पास पूरा आ जाएगा तो उसमें हमने ये देखना है कि जी हमारे पास किस एरिया की कितनी वेटेज है, कितने लर्निंग आवर्स हैं और किस तरीके से एफिशिएंटली हम एक कम टाइम पे मैक्सिमम कवरेज को कर सकते हैं, वो चीज हमने देखनी है। तो पहली चीज हमने देखनी है सिलेबस को। दूसरी चीज हमने जो देखनी है वो ये देखनी है कि यार इसका रिजल्ट इतना खराब क्यों है। रिजल्ट खराब होने का, हाँ जी, रिजल्ट खराब होने का रीजन क्या है? ये अब हो चुका है ओपन बुक पॉलिसी, ऐसा ही है। पिछले 2 साल से आई बिलीव ये एक ओपन बुक पॉलिसी पेपर है। आज से 2 साल पहले तक बच्चे की अप्रोच क्या होती थी इसमें कि जी किसी तरीके से हम सेक्शंस को याद कर लें, समरीज देख लें, 100 पेज के हैंडआउट्स और 150 पेज के हैंडआउट्स, इस तरीके से उसको देखा जा रहा होता था। पिछले 2-3 अटेम्प्ट से या 4 अटेम्प्ट से अब ये पेपर आपका क्या हो चुका है? ओपन बुक पॉलिसी हो चुका है। जब ये ओपन बुक पॉलिसी हो चुका है, अब बच्चे को यही समझ नहीं आ रहा कि बुक में हमने कौन सा पेज नंबर खोलना है, कौन सा सेक्शन खोलना है। सेक्शन तो बहुत दूर की बात है, इसके ऊपर कौन सी रेगुलेशन अप्लाई होगी, कौन सी रेगुलेशन अप्लाई नहीं होगी, यहां तक कंफ्यूजन है। ऑनलाइन वालों, यहां तक क्लियर है आप? मैं अपना इंट्रो भी बता देता हूँ। मेरा नाम इब्राहिम है और 2013 में मैंने क्वालिफाई किया था, तो इट हैज़ बीन अराउंड 8 ईयर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं 2009 से ही डेलॉयट के साथ एसोसिएटेड हूँ। करंटली मैं यूसुफ आदिल एक्स डेलॉयट का डायरेक्टर हूँ और इस पूरे 12 साल के इस टेन्योर में मैंने ऑडिट सेक्शन से मेरा वाबस्ता है और सिर्फ मैंने कराची में ऑडिट नहीं किया हुआ, इनफैक्ट मैंने डेलॉयट लंदन में भी काम किया हुआ है, डेलॉयट कतर में भी काम किया हुआ है। मैं डेलॉयट की तरफ से एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस रिव्यूअर भी रह चुका हूं और ट्रेन दी ट्रेनर का सर्टिफिकेट भी मुझे हासिल है जो कि मैंने स्पेन से ट्रेनिंग ली थी। ये मेरा एक जो अगर आप सिलेबस को देखेंगे थोड़ा बहुत, तो इसके अंदर बहुत से सेक्शंस आ रहे होंगे। कुछ रेगुलेशंस हमारी आ रही होती है एनबीएफसीज के ऊपर, कुछ रेगुलेशंस हमारी आती है बैंक्स के ऊपर, कुछ रेगुलेशंस हमारी आती है इंश्योरेंस के ऊपर, कुछ नॉर्मली कंपनीज एक्ट के ऊपर अप्लाई हो रहे होते हैं, कुछ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट होते हैं, कुछ कॉम्पिटिशन एक्ट होते हैं हमारे पास। ये सारे जितने भी लॉज एंड रेगुलेशन है ये प्रैक्टिकली ऑडिट फॉर्म में मैं पर्सनली देख चुका हूँ, ना सिर्फ बल्कि इनको देखा है बल्कि इनकी कंप्लायंसेस तक इंश्योर करी और किस तरीके से एक लॉ के ऊपर जब डिफरेंट इंटरप्रिटेशन आती है तो डिफरेंट लॉयर्स वगैरह से डिस्कशन भी कर चुका हूँ। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने सिलेबस को देखना है, इस सिलेबस हमने ये देखना है ये एक बहुत बड़ा मसला है, ये सुनिएगा। इसके नाम के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा चेंज आने जा रहा है। कैफ में आप लोग क्या पढ़ते थे? कंपनी लॉ। कैफ में आप कॉर्पोरेट लॉज नहीं पढ़ते थे, कैफ के अंदर आप कंपनी लॉ पढ़ते थे। कंपनी लॉ पढ़ते थे तो मतलब कुछ सेक्शन 1 से सेक्शन 246 तक के कुछ सेक्शंस होते थे, उनको आप कवर कर रहे होते थे। यहां पे नाम कंपनी लॉस नहीं है, यहां पे जो नाम है वो कॉर्पोरेट लॉस का है और इसके अंदर सारी की सारी एंटिटीज, सारी की सारी बॉडी कॉर्पोरेट्स हमारे कवर हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास इसका नाम जो क्या है, कॉर्पोरेट लॉस। अगर इस नाम को हम देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि यार एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जितने भी लॉज रेलिवेंट है हमारे सिलेबस से रिलेटेड, वो सारे के सारे ICAP ने हमारे सिलेबस का पार्ट बना दिया और सिलेबस के अंदर भी ये जो नई स्कीम आई थी इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट चेंजेस हमारे सिलेबस में थी। लाइक प्रीवियसली मुदारबा वगैरह पार्ट थे सिलेबस का, CDC पार्ट था, उन सारे चीजों का हटा दिया गया, नई रेगुलेशन अप्लाई की गई और ज्यादा लॉज लिखे हैं। मैं आपको हमारा जो पूरा सिलेबस है वो पूरा सिलेबस हमारा 4 ग्रेड में कवर होता है। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओवरऑल सिलेबस को और जो पूरा सिलेबस हमारा है वो 4 ग्रेड में कवर होता है। ग्रेड 1 हमारे पास है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 है। हम इन 4 ग्रेड्स को देखते हैं और इन 4 ग्रेड्स को देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्यों ये एक स्कैटर्ड सिलेबस है, क्यों इसके अंदर इतनी ज्यादा रेगुलेशन है, क्यों बच्चे से चीजें आपस में लिंक या क्लिक नहीं हो पा रही होती। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो सबसे पहला सेक्शन है वो है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस। इसको डिस्कस करने के लिए मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा, एक कंपनी बनती कैसे? हाँ जी, ऑनलाइन स्टोर से कंपनी कैसे बनती है?
अच्छा कैफ में क्या पड़ा हुआ है? पहले रजिस्टर्ड होगी, फिर उसके बाद उसका नाम डिसाइड किया जाएगा, नाम के बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होगी, फिर कंपनी की टाइप्स होंगी, डिफरेंट चीजें हमारे। आप एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, ये जो कॉर्पोरेट लॉज है इसके अंदर ये जो सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस वाला सेक्शन है ये बेसिकली कवर होता है हमारे कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट 2017 में कवर्ड होता है, सही है। और इसको इसको पहले इसका एक बैकग्राउंड समझने की कोशिश करें, शाने नजुल समझने की कोशिश करें कि इसका बैकग्राउंड क्या है। इसका बैकग्राउंड ये है कि अगर पाकिस्तान में कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है या पाकिस्तान में कोई बिजनेस कर रही है, सही है, अगर वो बिजनेस कर रही है तो उस पूरे बिजनेस के दौरान उसके कौन कौन से साइकिल्स होंगे, सही है, कौन कौन से फेजेस से वो गुजर रही होगी, और कंपनीज एक्ट ने उन्हीं सारे फेजेस के ऊपर कोई ना कोई सेक्शंस आपके ऊपर कंपनीज एक्ट में इंप्लीमेंट कर दिए। फॉर एग्जांपल कंपनी है तो सबसे पहली चीज होगी टाइप ऑफ कंपनी, भाई मैंने लिमिटेड बाय शेयर्स बनानी है या लिमिटेड बाय गारंटी बनानी है, मैंने पब्लिक बनानी है या प्राइवेट बनानी है, मैंने सिंगल मेंबर कंपनी बनानी है। सबसे पहले तो जो एक सेक्शन होगा कि जब वो आपको लेके आ रहे हैं कंपनीज एक्ट में तो आपको सबसे पहली चीज का सिखा रहा होता है वो कि भाई टाइप ऑफ कंपनी क्या है। ये हमारे पास एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज है। टाइप ऑफ कंपनी के बाद वो आपसे कहता है भाई कंपनी का नाम क्या होगा, टाइप ऑफ कंपनी से ही डिपेंड करता है कि आपका नाम क्या होगा, टाइप ऑफ कंपनी से ही डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लिस्टेड है तो आपके नाम के साथ लिमिटेड आना चाहिए, जो आप मेन नाम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन या प्रोहिबिशन होगी। लेट से मैं आज एक कंपनी स्टेट बैंक के नाम से नहीं बना सकता, आज मैं कोई कंपनी OGDCL के नाम से नहीं बना सकता, तो मुझे कुछ इन चीजों का, मैं आज कोई ISI के नाम से कोई कंपनी नहीं बना सकता, ऑल्दो कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती बट चूंकि फेडरल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है तो मैं उनके नाम से कंपनीज को नहीं बना सकता। तो फिर नाम के ऊपर उसने आपको कुछ गाइडेंस दे दी कि भाई नाम ऐसे नहीं, ऐसे होने चाहिए, ठीक है। नाम के बाद जाहिर सी बात है कोई ना कोई बिजनेस होगा और वो सारी चीजें कहां कवर हो रही होंगी, आर्टिकल एंड मेमोरेंडम में कवर हो रही है। ये हमारे पास कुछ चीजें होंगी जिस तरह के, फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ कंपनी हो गई, नेम हो गया, आर्टिकल हो गया, मेमोरेंडम हो गया, इस तरीके से हमारे पास एक कंपनी इस तरीके से स्टेजेस से गुजर रही होगी। जब इन स्टेजेस से गुजर रही होगी तो जाहिर सी बात है इन स्टेजेस के हिसाब से इनके ऊपर कोई ना कोई सेक्शंस अप्लाई हो जाएंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है ऑनलाइन वालों, यहां तक क्लियर है बेटा आप लोग? अब जब ये कंपनी बन चुकी है, सही है, अब जाहिर सी बात है ये अपना कोई ना कोई बिजनेस कमेंस करेगी, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, इनकॉर्पोरेशन के बाद अपने बिजनेस को, जब बिजनेस को कमेंस करेगी तो जाहिर सी बात है इसके अंदर बहुत सारी चीजें और आना स्टार्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मीटिंग्स, इस कंपनी को साल में एक बार मीटिंग करनी पड़ेगी, लेट्स से एनुअल जनरल मीटिंग करनी पड़ेगी, सही है, तो मीटिंग्स का हमारे पास कुछ सेक्शन आ जाएंगे। इस कंपनी को चलाने के लिए कोई ना कोई डायरेक्टर होगा, कोई ना कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, तो जाहिर सी बात है डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के ऊपर भी ये समझने की कोशिश करिएगा ये सारे सेक्शंस आ क्यों रहे हैं। सारे सेक्शंस इसलिए आ रहे हैं बिकॉज जब आप एक कंपनी बनाते हो तो एक पब्लिक इंटरेस्ट होता है आपके ऊपर, एक मुल्क का रेगुलेटर होना चाहिए जो कि इस इंटरेस्ट को, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। ऐसा नहीं हो सकता, एक्ट से पहले क्या होता था, एक कंपनी बनती थी और कंपनी बनती थी शेयर होल्डर से पैसा लेती थी और वो उसका ना कोई बिजनेस होता था ना वो कभी इनकॉर्पोरेट हुई भी होती थी, कुछ भी नहीं, शेयर होल्डर से पैसा लिया आपने और आप पैसा लेके भाग जाते। तो हर चीज के ऊपर कंपनीज एक्ट ने, SECP ने कोई ना कोई सेक्शंस हमारे लिए इंप्लीमेंट किया है। टाइप ऑफ कंपनी क्या होगी, नेम क्या होगा, आर्टिकल क्या होगा, मेमोरेंडम क्या होगा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मीटिंग्स, डायरेक्टर्स, CEO, ये हमारे पास चीजें आती है। और इसके अलावा क्या आएगा इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे पास यहाँ पे जो आएगी वो आएगी शेयर्स आएंगे। शेयर्स नहीं है तो भाई डिबेंचर्स वगैरह होंगे, लोन्स वगैरह होंगे, वो सारी चीजें मेरे पास आ रही होंगी, तो मेरे पास शेयर्स और डिबेंचर्स भी आ रहे होंगे, सही है। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, लेट्स से, तो जाहिर सी बात है उसके पास कोई ना कोई, और जरूरी तो नहीं आज से PNG के, फॉर एग्जांपल आज से 50 साल पहले जो शेयर कैपिटल था आज भी वो शेयर कैपिटल मजीद इश्यू हो रहे होंगे। कंपनीज एक्ट ने लास्टली कोई ना कोई रेगुलेशन आपके ऊपर इम्पोज की होगी। भाई शेयर्स भी इश्यू हो गए, डिबेंचर्स भी हो गए, और इसके अलावा क्या होगा, हाँ जी प्रोस्पेक्टस होगा, चले शेयर्स के साथ लिंक है ये प्रोस्पेक्टस, और इसके अलावा क्या होगा, भाई जो सारा काम कर रहे हैं आप, तो कोई ना कोई अकाउंट्स होगा, कोई ना कोई ऑडिट, से भाई इस कंपनी का अब ऑडिट कौन करेगा, ऑडिटर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करना चाहिए, ऑडिटेड अकाउंट्स प्रेजेंट, क्वार्टरली अकाउंट्स ऑडिट होने चाहिए नहीं होने चाहिए, हाफ ईयरली होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ये सारे हमारे अकाउंट्स और ऑडिट के सेक्शन में प्रेजेंट होंगे। ऑनलाइन वालों यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चों आप लोग? चले जी जबरदस्त।
एक कंपनी की साइकिल इस तरीके से चली थी, कंपनी बनती है, फिर एक नाम रखती है, फिर इनकॉर्पोरेट होती है, फिर बिजनेस करती है, फिर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है, फिर चीफ एग्जीक्यूटिव जो कि कंपनी के अफेयर्स को मैनेज कर रहा होता है उसको अपॉइंट्स कर रही होती है, फिर मीटिंग्स वगैरह कर रही होती है, फिर लोन ले रही होती है, लोन दे रही होती है, शेयर्स एक्वायर कर रही होती है, शेयर्स बायबैक कर रही होती है, सारी की सारी चीजें इसके ऊपर हमारे पास अप्लाई हो रही होती है। यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चों? ये जितने भी सेक्शन है ये आपने कैफ में पढ़े हैं, जिसका नाम है सेक्शन 1 से सेक्शन 246। ये आप लोगों ने पढ़े होंगे, मीटिंग के सेक्शंस पढ़े होंगे, डायरेक्टर के सेक्शन पढ़े होंगे, पहला डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा, सबसेक्वेंट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा, सबसेक्वेंट डायरेक्टर जो अपॉइंट होगा उसका टेन्योर क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्या होंगे, नॉन इंडिपेंडेंट क्या होंगे, सारी चीजें, क्वालिफिकेशन शेयर इसके पास होने चाहिए, सारी चीजें आप लोगों ने कंपनीज एक्ट में पढ़ी हुई है। क्या यहां तक बात समझ आती है? एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करने जा रहा हूं प्यारे बच्चों, उसको थोड़ा सुनिएगा। ये सारे सेक्शन मिला के कोई 250-300 बनते हैं कंपनीज एक्ट में, जो कि कंपनी को बनाने से लेके कंपनी को चलाने तक रोजमर्रा की जिंदगी के जो भी काम होंगे वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से हो रहे होंगे, रोजमर्रा की जिंदगी के जितने भी काम हो रहे होंगे कंपनी, तभी तो उसको नाम रखा हुआ है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस। तो ये काम कंपनीज, जो कंपनी सेक्रेटरी होता है ये इन सारी चीजों को इंश्योर कर रहा होता है। आप सोच नहीं सकते हमारे सिलेबस में इस वाले एरिया में टोटल 500 सेक्शंस हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, 450 से 500 सेक्शंस हैं जो हमारे सिलेबस का। सर 250 सेक्शन तो ये हो गए, बकिया 200, 150 या 250 सेक्शन किस चीज के? हाँ जी ऑनलाइन वालों, एनी आइडिया? बकिया 150, 200, 250 सेक्शन किस चीज के? हाँ जी, बजट वगैरह से रिलेटेड। ऑनलाइन वालों देखें, ये समझने की कोशिश करें, कंपनी बनती है, कंपनी नाम रखती है, कंपनी आर्टिकल बनाती है, मेमोरेंडम बनाती है, मीटिंग्स करती है, बिजनेस कमेंस करती है, बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है, डायरेक्टर्स को एक बार अपॉइंट नहीं करेगी, सबसेक्वेंट डायरेक्टर्स भी अपॉइंट होते रहेंगे, पूरी रोजमर्रा की जिंदगी का एक किताब है। सीईओ आ गया, शेयर्स आ गए, डिबेंचर आ गए, अकाउंट्स आ गए, ऑडिट आ गए, ये सारे सेक्शंस इसके ऊपर इस तरीके से अप्लाई हो रहे होंगे। तो 250 सेक्शन तो इस चीज के भाई कंपनी बनेगी और बनने के बाद चलेगी, बकिया 150-200 सेक्शन किस चीज के भाई? प्यारे बच्चों बकिया 150 से 200 सेक्शन सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप के। ये देखें, ये हमारे लॉ का सबसे बड़ा मसला है। देखें यहां पे जब एक कंपनी वाइंड अप होने जा रही होती है, अपेरेंटली तो ऐसा लग रहा है चलाने के लिए सिर्फ 200-250 सेक्शन, और ये भी अकाउंट्स और ऑडिट, तो ये चलाने के सेक्शंस तो नहीं है ना, कंपनी को ऑपरेट करने के तो सेक्शंस नहीं है, चलाने के लिए 200-250 सेक्शन, बंद करने जाओगे 200 सेक्शन और एम्प्लॉय। क्यों? बिकॉज वाइंडिंग अप के अंदर स्पेशल सिनेरियोस बहुत आ जाते हैं, क्रेडिटर्स भी वाइंडिंग अप के लिए कह सकता है, कंपनी खुद वॉलंटेरिली भी वाइंड अप कर सकती है, इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन के भी सेक्शन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी बन गई है, अगर कंपनी बनी है तो क्या SECP उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है? तो इन्वेस्टिगेशन के भी कुछ सेक्शंस होंगे, सही है? अगर इन्वेस्टिगेशन है, फॉर एग्जांपल अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और मैटर को कोर्ट में लेके जाना है तो क्या कोर्ट अप्लाई होगा कि नहीं होगा? तो SECP ने कुछ कोर्ट के सेक्शंस भी रखे हुए। तो आपको समझ आ रहा है? तो हमारे पास इस तरीके से अनफॉर्चुनेटली ये आपके सिलेबस का सबसे बड़ा एरिया है। कितने सेक्शन? 500 सेक्शंस। ये पूरा काम अभी तक हम कौन सी ग्रेड डिस्कस कर रहे हैं? हम ग्रेड 1 डिस्कस कर रहे हैं, और ग्रेड 1 कंपनी चलेगी कैसे, ऑपरेट कैसे करेगी, मीटिंग कब होगी, AGM हर साल होनी है, तो ये सेक्शन बार बार इसके ऊपर अप्लाई होता रहेगा। यहां तक बात सबके समझ आती है ऑनलाइन वाले बच्चों? मजे की बात यह है सर, अगर मैं ये 500 सेक्शंस कर लूं, अगर ये 500 सेक्शंस में कर लूं तो क्या मेरी वेटेज कितनी कवर होगी? सर मेरी वेटेज कवर होगी सिर्फ और सिर्फ 25 से 35 मार्क्स। अगर मैं ये 500 सेक्शन पढ़ना स्टार्ट करूं कंपनी बनने से लेके कंपनी के वाइंड अप होने तक, तो प्यारे बच्चों के 500 सेक्शंस हैं ये, और कितनी वेटेज कवर होगी? अब मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला ये है, इसके अंदर सिर्फ ये चीजें नहीं है, इस सिलेबस के अंदर ये जो आपको दिख रहा है फेस पे, ये एक लिमिटेड एरिया है, और जो चीज इस ग्रिड को सबसे मुश्किल बनाता है वो बनाता है इस सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस में। मेरे पास बकिया रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आर्टिकल और मेमोरेंडम है तो मेरे सिलेबस का पार्ट है स्केड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट। अगर आप लोगों ने प्रोस्पेक्टस का नाम लिया था तो उसके लिए मेरे पास एप्लीकेबल है स्केड्यूल 2 एप्लीकेबल है, स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस मेरे पास स्केड्यूल 2 में कवर होता है। और अगर मैं आपसे बात करूं कंपनी सबसे पहले क्या होगी, सबसे टाइप ऑफ कंपनी, अगर मेरे पास टाइप ऑफ कंपनी लेट से कौन सी है, लिस्टेड है,
तो अगर लिस्टेड कंपनी है तो कुछ चीजें और इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी, लेट से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बुक, ये इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी, ये भी सिलेबस का पार्ट है। आपने कहा कंपनी है, कंपनी सबसे पहले क्या होगी प्यारे बच्चों, कंपनी सबसे पहले इनकॉर्पोरेट होगी। अगर इनकॉर्पोरेट होगी तो इनकॉर्पोरेशन की भी कुछ रेगुलेशंस है, वो भी मेरे सिलेबस का पार्ट है। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो इनकॉर्पोरेशन के भी कुछ रेगुलेशंस है। क्या यहां तक बात समझ आती है? अगर डायरेक्टर है और आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, डायरेक्टर अपॉइंट होगा, पहला डायरेक्टर ये अपॉइंट करेगा, सबसिक्वेंट डायरेक्टर्स ये अपॉइंट करेंगे, इन डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी मेरे पास कुछ रेगुलेशंस है। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? अगर आप ये वर्ड यूज करते हैं, कौन सा? शेयर्स। ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है या फिर एक सेक्शन नहीं है शेयर्स का, इसके ऊपर ठीक ठाक रेगुलेशंस और एक्ट अप्लाई हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स को मैं फर्दर इशू भी कर सकता हूं, शेयर्स को मैं बायबैक भी कर सकता हूं। ये रेगुलेशंस भी अब आपके सिलेबस का, जो आपने कैफ में नॉर्मली नहीं पढ़ी होंगी, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट बनना स्टार्ट हो जाएंगी। क्या यहां तक बात समझ आती है? एक कंपनी होती है, एक कंपनी होती है और वो ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट्स कर रही होती है, ऐसा ही है ना भाई? कंपनी जब पैसा लेगी शेयर होल्डर से या लोन लेगी डिबेंचर की सूरत में, तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट, अगर उसने इन्वेस्टमेंट किसी रिलेटेड पार्टी में करी है या रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजेक्शन करने जा रहा है, तो रिलेटेड पार्टीज के ऊपर भी एक रेगुलेशन है जो कि आपके सिलेबस का पार्ट बन जाएगा। ये भी आपके सिलेबस का पार्ट बन जाएगा। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं अपनी एसोसिएट्स में, आपने एक सेक्शन पढ़ा होगा कंपनीज एक्ट में, आपने कंपनी से कि अगर आप ऐसे, आपने स्पेशल रेजोल्यूशन लेना है। अब जब ये स्पेशल रेजोल्यूशन लेना है तो स्पेशल सिर्फ वहां पर कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है स्पेशल रेजोल्यूशन लेना है। भाई रेजोल्यूशन लेना तो नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा तो शेयरहोल्डर को क्या नोटिस देना पड़ेगा, उससे अप्रूवल क्या लेनी पड़ेगी, मैं क्यों इस एसोसिएशन में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं, क्या इसके फाइनेंशियल टर्म्स है, मुझे फायदा होगा भी या नहीं होगा, ये सारी चीजें। ऐसा थोड़ी हो सकता है आपने स्पेशल जनरल मीटिंग बुला ली, शेयरहोल्डर को बुला लिया और वो कह रहे मुझे ये भी दिखाओ, मुझे ये भी दिखाओ, और आपको मेरे पास तो भी सारा डेटा अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए भी एक रेगुलेशन है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स करेंगे आप तो उसके लिए भी प्यारे बच्चों एक रेगुलेशन है कि अगर आप एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सारा तरीके कार क्या होगा, वो सारा कंपनीज एक्ट का पार्ट नहीं है उन सारी चीजों को रेगुलेशन का। कंपनी पूरे साल मेहनत करती है, एट द एंड क्या देती है? डिविडेंड के आपने तीन चार सेक्शन पढ़े हुए होंगे, डिविडेंड प्रॉफिट में से दिया जाएगा, डिविडेंड सरप्लस वगैरह के उसमें से आप नहीं दे सकते, सारे आपने पढ़ेंगे। डिविडेंड की पेमेंट के ऊपर भी सारे के सारे रेगुलेशन अप्लाई हो सकते हैं, डिविडेंड पे कैसे करना है, किस तरीके से पे करना है, उसके ऊपर भी सारे रेगुलेशन अप्लाई होंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों मीटिंग्स, और मीटिंग में वोटिंग होगी, मीटिंग में वोटिंग होगी, वोटिंग में पोस्टल बैलेट रेगुलेशन अप्लाई हो जाएंगे। अगर पोस्टल बैलेट आपने करना है तो उसका तरीके क्या क्या होगा, कब आपने नोटिस देना है, क्या रिक्वायरमेंट होगी, किस तरीके से आपने सिग्नेचर्स को वेरीफाई करनी है, शेयरहोल्डर के डेटा को किस तरीके से वेरीफाई करना है, उसको क्या कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से अगर आप ई वोटिंग करने जा रहे हैं तो किस तरीके से आपने SMS वगैरह चलाने, किस तरीके से आपने सिक्योरिटी का ख्याल रखना है, ये सारी बातें कंपनीज एक्ट में नहीं लिखी हुई होंगी, ये सारी बातें कहां पे लिखी हुई होंगी, ये सारी की सारी बातें रेगुलेशंस में लिखी होंगी। बच्चों यहां तक आपके समझ में आ रहा है कि ये फेस पे 500 सेक्शन है और इस 500 सेक्शन के पीछे मजीद हमारी रेगुलेशंस अप्लाई होना स्टार्ट हो जाती है। ऑनलाइन वालों के यहां तक क्लियर है? चलें जी, बेहतरीन। तो ये हमारा अब अनफॉर्चुनेटली प्यारे बच्चों, ये पूरा हमारे पास जो हम देख रहे हैं सामने अपनी स्क्रीन, और इसके अलावा भी ठीक ठाक रेगुलेशंस है, इसके अलावा भी और रेगुलेशंस है, मैंने आपसे वो वाली डिस्कस करी है जो आप नॉर्मली कैफ में पढ़ के आए हो, तो उस कैफ में से वो पार्ट नहीं है, उसके अलावा भी उसके साथ रेगुलेशंस भी अटैच मेरे साथ हो रही होती है। प्यारे बच्चों जितना कुछ आपके सामने खोल के रखा है ये मेरे कॉर्पोरेट लॉ का 50-60% सिलेबस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी वेटेज मेरे पास कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 25-35 मार्क्स तक की वेटेज है। इसकी वेटेज मेरे पास कितनी है, 25। ICAP ने पूरे CFAP के सिलेबस को 160 आवर्स में तोड़ा है, जो उसके लर्निंग आवर्स होते हैं उसमें से 80 आवर्स इसको एलोकेट, मीन्स 50% ऑफ टाइम हमारा कहां एलोकेट होगा इसमें। अगर मैं आपके सामने एक और इक्वेशन करूं, अगर मेरे 80 घंटे या 90 आवर्स मेरे एलोकेट होते हैं यहां पर,
और मेरी वेटेज कितनी हो रही है 25 से 35 मार्क्स, तो मैं ऑन एवरेज कितने ले रहा हूं, इट मींस हर 3 घंटे की एक क्लास अगर मैं लूं तो मैं सिर्फ 1 नंबर कवर कर पाऊंगा। इतना मेरा लेंदी एरिया है कि मैं हर 3 घंटे की एक क्लास लूं तब जाके मेरा 1 नंबर कवर हो पाएगा। आई कैप ने क्यों इसको इस तरह रखा हुआ है प्यारे बच्चों, बिकॉज ये एरिया वो आपसे ऑलरेडी कंपनी लॉ में एग्जामिन कर भी चुका है, तो वो आपको टेस्ट कर चुका है। यहाँ पर नॉर्मली उन्हीं सेक्शन के साथ आपसे रेगुलेशंस को भी टेस्ट कर रहा होता है। यहां तक बात समझ आती है? ऑनलाइन वालों क्लियर है? आप 35 से 45 सॉरी यार, हमारे पास जो उसकी ग्रेड है वो 35 to 45 मार्क्स है, 35 to 40 मार्क्स है। और अगर मैं यहाँ पे लेट से इसको 40 मार्क्स भी कर दूं तो मेरे पास कोई 2.75 आवर्स का एक रेशियो निकलता है हमारे पास। ये हमारी एक सबसे मुश्किल और बड़ी ग्रेड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी वेटेज थोड़ी सी कम है। क्लियर है हम सारे दोस्त ऑनलाइन यहाँ वालों? तो ये हमें समझ आ गया, ये कंपनी से जो कि पढ़ा हुआ था और ये जो लाल से लिखना स्टार्ट किया है, अब आपके सिलेबस में उनकी उनकी रेगुलेशन भी पार्ट बन गई। रेगुलेशंस क्यों आती हैं, इसके पीछे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। कंपनीज एक्ट में आपको सिर्फ एक हुक्म दिया गया होता है कि जी आपने ऐसे काम करना है, वो काम होगा कैसे, किस तरीके कार पे होगा, वो सारी की सारी बातें उसने मजीद जो उसको एक्सप्लेन करता है वो किस तरीके से करता है, वो रेगुलेशंस के तहत करता है, वो सर्कुलर्स के तहत करता है, वो नोटिफिकेशंस के तहत करता है, वो सारी बातों को इस तरीके से मजीद गाइडेंस के लिए वो रेगुलेशंस इशू करता है। इसको अगर नोट करना है ऑनलाइन वाले नोट कर लो, 2 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, इसको नोट कर लो। सवाल हो तो इससे पूछ सकते हैं आप, कोई भी सवाल हो प्यारे बच्चों पूछ सकते हैं आप। ये आ जाएगा यहां पे, स्क्रीन शेयर कर सकता हूं ना मैं। चलो अगर आप लोग यहां से देख लो, एक स्क्रीन मैंने आपके सामने शेयर करी है और इसको मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं। ये जो ब्लू से लिखा गया है ये बेसिकली कंपनी का एक एक कंपनी का पूरा लाइफ साइकिल है, आप यूं कहें कि उसकी कंपनी का एक लाइफ साइकिल है। कंपनी बनने जाती है पहले वो डिसाइड करती है कि वो टाइप ऑफ कंपनीज क्या होगी, उसका नाम क्या होगा, मेमोरेंडम क्या होगा, आर्टिकल क्या होगा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कब होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा, कन्वर्जन शेयर्स एंड डिबेंचर, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, मॉर्गेज चार्जेस, मीटिंग्स, डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, डिविडेंड्स, ऑडिटर, इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट, वाइंडिंग अप, लिक्विडेटर, क्रेडिटर्स वाइंडिंग अप। ये हमारी एक पूरी प्यारे बच्चों अगर इसको आप थोड़ा सा लॉजिकली देखें तो ये मेरे पास एक कंपनीज एक्ट का एक पूरा एक कंपनी का लाइफ साइकिल है, एक कंपनी का। तो ब्लू से जो लिखा हुआ है कंपनी का लाइफ साइकिल है, और जो येलो से लिखा गया है प्यारे बच्चों, येलो से ये क्या लिखा गया है, येलो से सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर अगर कोई रेगुलेशंस अप्लाई होती हैं। फॉर एग्जांपल जो सबसे बड़ी रेगुलेशन है यहाँ पे वो है कंपनीज जनरल प्रोविजन एंड फॉर्म्स। ये जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें अगर वो आपसे कहता है कि जी आपने ये नोटिस देना है तो नोटिस का फॉर्मेट क्या होगा, किस फॉर्म के तहत, अगर आपने एससीसीपी को ये कम्युनिकेट करना है उसका फॉर्म क्या होगा, एससीसीपी को आपने ये रिटर्न फाइल करना है रिटर्न का फॉर्मेट क्या होगा, एससीसीपी ने क्या करा है बेसिकली इन सारी चीजों को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे लेके आ गई है। बिकॉज अगर पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज हैं वो एक ही फॉर्मेट पे स्टेट बैंक को या एससीसीपी को कम्युनिकेट करें ताकि एससीसीपी उसके बेसिस पे डेटा को एक अच्छे तरीके से एनालाइज कर सके। अगर उसके पास डेटा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा, अगर डेटा उसके पास हर कंपनी अपने हिसाब से स्कैटर्ड डेटा देती रहेगी तो एससीसीपी के लिए भी संभालना मुश्किल हो जाएगा, कंपनी के लिए भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो कंपनी तो जितने भी सेक्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जितनी भी चीजें देख रही हैं, उन सबके ऊपर एक चीज एप्लीकेबल है, और वो क्या एप्लीकेबल है हमारे पास, वो हमारे पास एप्लीकेबल है कंपनीज जनरल प्रोविजंस। एंड यहाँ पे कुछ तरीके भी बताए गए जो कि अलग रेगुलेशंस में नहीं कवर्ड हुए, जो अलग रेगुलेशन में कवर्ड नहीं हुए वो भी बताए गए, और उसके अलावा जितने भी फॉर्म्स वगैरह है हमारे पास डिफरेंट एरिया में वो सारे फॉर्म्स वगैरह भी यहाँ पे बताए गए। क्या यहां तक बात समझ आती है ऑनलाइन वालों? क्लियर हम सारे यहां तक? चले जबरदस्त। इसके अलावा भी कुछ स्लाइड्स हैं, मैं हल्के हल्के कोशिश करूंगा आप लोगों को दिखाता रहूं, लेकिन पहली चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, हमें यह पता चल जाए कि ये कंपनी लॉ से कॉर्पोरेट लॉ क्यों बन रहा है। हमें थोड़ा सा ये समझ आ जाए कि कैसे ये सब्जेक्ट कैफ के कंपनी लॉ से कॉर्पोरेट लॉ बन रहा है। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा चले बच्चों, ऑनलाइन वालों थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर ले, जवाब दे दे ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, सही है? अच्छा मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऊपर कर सकता हूं यार, मैं यहां पर अगर लिखना चाहूं तो
ग्रिड बी है, ये मेरे पास ग्रिड बी है, कंपनी ऐसे चल रही होगी, कंपनी के नाम होंगे, सब कुछ सही होगा, लेकिन कंपनी वाइंड अप होगी, नहीं वाइंड अप नहीं हो रही, बल्कि क्या हो रही है कंपनी, कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है या रिहैबिलिटेशन हो रही है, या तो वो रिस्ट्रक्चरिंग हो रही होगी या रिहैबिलिटेशन होगी, ये भी मेरे कोर्स का पार्ट है, इसमें भी कुछ एक्ट्स और रेगुलेशन, 4 से 5 एक्ट्स और रेगुलेशन मेरे कोर्स का पार्ट है। इसकी जो वेटेज है प्यारे बच्चों कितने नंबर है, 10 से 15 मार्क्स, ऐसा ही है, इसमें जो मेरी आर्बिट्रेशन मेडिएशन भी इसके अंदर कवर्ड है, कितने वेटेज है मेरी इसमें, 10 से 15 मार्क्स वेटेज है, इसमें मेरे पास आर्बिट्रेशन मेडिएशन और रिस्ट्रक्चरिंग रिहैबिलिटेशन है, ये सारे के सारे मेरे, कुछ कंपनीज ऐसी होंगी ऑब्वियसली जिसको आप वाइंड अप नहीं कर सकते, तो उसको रिस्ट्रक्चर करना जरूरी होता है, उसको रिहैबिलिटेट करना जरूरी होती है, यहां तक बात समझ आती है। फ्लैट से आपके पास बेस्ट एग्जांपल है पाकिस्तान स्टील में, वाइंडिंग अपनी पे नहीं जा रही, वो सही है, क्यों नहीं जा रही, बिकॉज कोई ना कोई मैनेजमेंट का या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बेल आउट पैकेज होगा यहाँ पे कन हो गया। ये मेरे पास कंपेरेटिवली एक ग्रिड है, ग्रिड भी सही, इसके बाद मेरे पास एक और ग्रिड है, ग्रिड सी, और इसका नाम बड़ा जबरदस्त है, इसका नाम क्या है, स्पेशलाइज्ड एरियाज। अब वही वाली बात है प्यारे बच्चों, ये कंपनी लॉ नहीं है बल्कि ये क्या है आपका, ये कॉर्पोरेट लॉ है। क्यों कॉर्पोरेट लॉज है, क्यों इसका नाम कॉर्पोरेट लॉज रखा गया है, बिकॉज आपको सिर्फ कंपनी के बारे में नहीं बताया जाएगा, अगर एक बैंक बना है तो बैंक के ऊपर सिर्फ कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होगा बल्कि बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962 एप्लीकेबल होगा। अगर एक बैंक है तो उसके ऊपर बैंकिंग, और मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको, फॉर एग्जांपल ये कंपनी बन गई, सही है, एक कंपनी बन गई, एक चीज आपने नोट करी होगी, हर बैंक ने कोई ना कोई रिजर्व्स मेंटेन करने होते हैं, क्यों रिजर्व्स मेंटेन करने होते हैं, ताकि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने पैसे बैंक में जमा करा रहा हूं, कल को मैं बैंक से पैसे मांगने जाऊं, बैंक बोले मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास तो लिक्विडिटी नहीं है, मैंने तो सारे के सारे शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए हैं, मैंने तो सारे के सारे टी बिल्स में इन्वेस्ट कर दिए, मैंने तो सारे के सारे आगे एडवांसेस दे दिए 10-10 साल के लिए, मेरा अपना पैसा है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई इसके ऊपर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि बैंक को कुछ रिजर्व्स मेंटेन करने चाहिए, कुछ लिक्विडिटी रिजर्व्स होते हैं, कुछ स्ट्रेचरी रिजर्व्स होते हैं, कुछ कैश रिजर्व फंड्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है सारी बातें यहां पे कवर्ड नहीं हो सकती, यहां पे कंपनी के बारे में उसको यहां पे कवर्ड नहीं कर सकता, यूनिलीवर के ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसने रिजर्व्स मेंटेन करने, उसने कैश, बिकॉज उसके ऑपरेशन से लिंक नहीं करता। तो प्यारे बच्चों सिर्फ कुछ कंपनीज के ऊपर सिर्फ कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होगा, बल्कि साथ साथ बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962 भी उसके ऊपर क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा, क्या यहां तक बात समझ आती। लेकिन मेरे पास सिर्फ बैंक, मेरे पास स्पेशलाइज इंडस्ट्री में सिर्फ बैंकिंग तो नहीं है, मेरे पास स्पेशलाइज इंडस्ट्री में इंश्योरेंस भी है, तो इंश्योरेंस भी किसी ना किसी ऑर्डिनेंस के तहत गवर्न हो रहा होता है, ऑपरेट हो रहा होता है, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है कि जी अगर कोई स्पेशलाइज कंपनी है, लेट से बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस, या तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनबीएफसी रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर आप देखें और अपने सराउंडिंग में देखें, या तो आपको यूनिलीवर जैसी 10,000 कंपनियां दिख जाएंगी, पीएनजी जैसी 10,000 कंपनियां दिख जाएंगी, टेक्सटाइल जैसी 10,000 कंपनियां दिख जाएंगी, या आपको कुछ बैंक्स दिख रहे होंगे, या आपको कुछ इंश्योरेंस कंपनीज दिख रही होंगी, या आपको एक ऐसी कंपनीज भी दिख रही होंगी जो के जिसका बिजनेस बैंक जैसा नहीं है, लेकिन वो क्या कर रही होती है, फॉर एग्जाम्पल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड्स। तो यहां पे इसमें एनबीएफसी में और बैंकिंग में फर्क है जमीन आसमान का। बैंक में मैं पैसा जमा कराता हूं, रिटर्न में बैंक मुझे कुछ देता नहीं है, यहां पे मैं पैसे जमा करा के उसके उसके यूनिट सर्टिफिकेट्स खरीद सकता हूं, सही है क्या, यहां तक बात समझ आती है हमारे पास। तो ये जो कंपनीज होंगी हमारे पास एएमसी और म्यूचुअल फंड ट्रस्ट के तहत बनता है, ये जो एएमसी और म्यूचुअल फंड्स हमारे पास होंगी, इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ रेगुलेशंस, और उन रेगुलेशन के लिए क्या चीज कवर की गई है, एनबीएफसी रूल्स एंड रेगुलेशन। और यहां पे भी मोर और लेस वही बातें की होंगी कि फॉर एग्जाम्पल आप सारा का सारा पैसा एक ही कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर वो कंपनी डूबी तो सारे का सारा कस्टमर आपका डूब गया। तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ एनबीएफसी रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि एएमसी एंड म्यूचुअल फंड्स को भी स्पेशलाइज इंडस्ट्रीज है मेरी, और चूंकि इनकी नेचर अलग है तो इनको ऑपरेट करने के लिए, इनको गवर्न करने के लिए लॉज एंड रेगुलेशन भी बड़े स्पेसिफिक होने चाहिए और यूनिक होने चाहिए। कंपनीज एक्ट के सारे सेक्शन यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे
उनको उनको गवर्न या एड्रेस नहीं कर सकेंगे। यहां तक क्लियर है ऑनलाइन वालों बेटा? सिर्फ तीन रेगुलेशंस, बैंकिंग लिमिटेड सेक्शन पूरे नहीं, इंश्योरेंस लिमिटेड सेक्शंस पूरे नहीं, एनबीएफसी रूल्स एंड रेगुलेशन लिमिटेड सेक्शन पूरे नहीं, और यहां पे आईकैप ने कहा है कि इसकी वेटेज भी कितनी होगी प्यारे बच्चों, 10 से 15 मार्क्स होगी। उसके लर्निंग आवर्स कितने आ रहे हैं यार? सिर्फ 15 से 20 घंटे आपने इन्वेस्ट करने हैं, सिर्फ 15 से 20 घंटे आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें प्यारे बच्चों, आपकी कितनी वेटेज कवर हो जाएगी? 10 से 15 मार्क्स की। आप सोचें, अगर मैं 20 घंटे यहाँ इन्वेस्ट करता हूँ, मेरे 12.5-15 मार्क्स कवर्ड हो रहे हैं, और एक चीज जो मैं वहां पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज भी जरूरी है। क्यों जरूरी है उसको हम थोड़ी देर में समझ लेते हैं। यहां तक बात समझ आ रही है ऑनलाइन वालों? ऑनलाइन वालों यहां तक क्लियर है? तो अभी हमने सिर्फ उसे सिलेबस को थोड़ा सा खोल के देखना है, ताकि हमें पता चल जाए कि किस तरीके से हमारे पास चीजें हैं और हमने कहां पे एफर्ट्स करनी है। अगर हम एफर्ट्स सही डायरेक्शन पे कर लेंगे तो इंशाल्लाह पास होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ये अभी आपको डर लग रहा होगा प्यारे बच्चों, यकीन करें ये बिल्कुल भी डरने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल भी डरने वाला सब्जेक्ट नहीं है। आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि मेरे पास है, ग्रेड डी। आखिरी मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेड, जिसका नाम है अदर लॉज एंड रेगुलेशन। यहां पे मेरे पास क्या आता है? यहां पे मेरे पास एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आता है। यहां पे मेरे पास क्या आता है? यहां पे कंपटीशन एक्ट मेरे पास आता है। यहां पे मेरे पास क्या आ रहा होता है? कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ रहा होता है। यहां पे मेरे पास क्या आ रहा होता है? पब्लिक सेक्टर रूल्स आ रहे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे पास जो आती है वो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस मेरे पास आती है। यहां पे मेरे पास आईकैप के कोड ऑफ एथिक्स भी अप्लाई होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स या फंड्स ट्रांसफर के सेक्शंस भी मेरे पास अप्लाई होते हैं। यहां पे मेरे पास कुछ गिने चुने 6 से 7 लॉज एंड रेगुलेशन है प्यारे बच्चों, और इन अदर लॉज की वेटेज कितनी है मेरे पास? 35 से 40। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? ऑनलाइन वालों ये ग्रेड आपको समझ आई? उधर ही रहेगा, उधर ही बोर्ड रखेगा। ये ग्रेड प्यारे बच्चों आपको समझ आई? ये अदर लॉज एंड रेगुलेशन ग्रेड आपको समझ आई? ये कुछ और लॉज हैं जो कि बेसिकली एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। इसमें से आपको पता है बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे पास ये जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में थे उसके लिए हमें रेगुलेशन पास करनी पड़ी। सबसे अहम जो रेगुलेशन थी हमारे पास एंटी मनी लॉन्ड्रिंग थी। दूसरा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट था कॉम्पिटिशन एक्ट। आप सबने सुना होगा ऑडिट फॉर्म में माशाल्लाह कि जी आईकैप फीस मिनिमम फीस नहीं बता सकता। आईकैप मिनिमम फीस का एक सर्कुलर था हमारे जमाने में, एक जमाने में मिनिमम फीस का सर्कुलर था कि इससे कम तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको चार्ज ही नहीं करेंगे। कंपटीशन एक्ट ने आईकैप के उस सर्कुलर को नल एंड वॉइड कर दिया। उसने कहा कि नहीं, अगर आपकी मोनोपोली है, अगर आपको लॉ ये राइट देता है कि आप ऑडिट कर रहे हैं तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते। ये कॉम्पिटिशन एक्ट का एक सबसे बड़ा मसला था। तो कॉम्पिटिशन एक्ट एक सेक्शन है, हम सब ने देखा होगा डायरेक्टर के, अगर आप सेक्शन देखेंगे तो डायरेक्टर के सेक्शन में लिखा होगा पावर एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर के। सही है भाई, ये भी अप्रूवल करेगा, ये भी। बट डायरेक्टर होगा कैसा? इंडिपेंडेंट होगा या एग्जीक्यूटिव होगा या नॉन एग्जीक्यूटिव होगा? अगर वहां पे लिखा हुआ है कि लिस्टेड कंपनी है तो एटलीस्ट 7 डायरेक्टर होने चाहिए। 7 में से कितने इंडिपेंडेंट होंगे, कितने एग्जीक्यूटिव होंगे, कितने नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे, कितने माइनॉरिटी होंगे, वो तरीकेकार वहां पे नहीं बताया गया। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में वो सारी बातें बताई गई हैं। अगर यहां तक बताया गया है कि वहां पे बताया गया आपकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेट्स उसमें ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, फॉर एग्जाम्पल के अकाउंट्स वगैरह को देखना, तो इसके लिए एक ऑडिट कमेटी बनेगी। ऑडिट कमेटी का चेयरमैन कौन होगा? वो वहां पे नहीं बताई गई होंगी सारी बातें। वो सारी की सारी बातें कहां बताई गई होंगी? वो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बताई गई होंगी। क्या यहां तक बात समझ आता है? अगर वहां पे लिखा हुआ था डायरेक्टर की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कि आपने कंपनी में रिस्क असेसमेंट करनी है, तो रिस्क असेसमेंट करनी, तो कोई रिस्क असेसमेंट आपने कमेटी बनानी पड़ेगी। वो कमेटी की सारी बातें क्या लिखी होंगी, उसका टीओआर क्या होगा, वो क्या काम करेगी, वो क्या काम नहीं करेगी, ये सारी बातें कहां बयान है? ये सारी बातें सीओसीजी में बयान है। सीओसीजी मेरे लिस्टेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। पब्लिक सेक्टर रूल्स जो मेरे होते हैं वो उनके उन कंपनीज के ऊपर या उन बॉडी कॉर्पोरेट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है जिसके ऊपर गवर्नमेंट की या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की 50% से ज्यादा होल्डिंग हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं ओजीडीसीएल, तो ओजीडीसीएल लिस्टेड भी है तो कोड भी अप्लाई होगा, लेकिन ओजीडीसीएल की 75% होल्डिंग किसके पास है? फेडरल गवर्नमेंट के पास है, तो उसके ऊपर पब्लिक। तो इन दोनों में से कौन सी चीज अप्लाई होगी? इन दोनों में से
पब्लिक सेक्टर रूल्स अप्लाई होंगे उसके ऊपर, इन एडिशन टू कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पब्लिक, और अगर पब्लिक सेक्टर और कोड में कहीं कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होगा तो वो कंपनी पब्लिक सेक्टर रूल्स को फॉलो कर रही होगी। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? कुछ मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन है, ये सबके ऊपर अप्लाई हो रही होती है प्यारे बच्चों। अगर कोई कंपनी डिविडेंड देती है बाहर से या बाहर से पैसा लेके आ रही होती है उनके ऊपर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन आपके ऊपर अप्लाई हो रही होंगी। आईपीए का कोड ऑफ एथिक्स एफएफआर में भी आइडिया है, यहाँ पे भी ये चीज रेलिवेंट है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हो रही है तो उसके ऊपर भी हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। ऑनलाइन वालों प्यारे बच्चों यहां तक बात समझ आती है? अब मुझे बताएं, अब आप जो डर रहे हैं ना अभी इतना इस सिलेबस को देख के, ये सिलेबस से आप थोड़ा सा आपको रियलाइज हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ये रियलाइज हो जाना चाहिए कि हमारे पास ये सारी चीजें कवर्ड है। ये मुश्किल क्यों है मैं इसको मजीद डिस्कस करूंगा, लेकिन ये सामने जो आपके स्ट्रेटेजी है, ये सामने आपके स्ट्रेटेजी है प्यारे बच्चों, इस स्ट्रेटेजी से बताएं मुझे अपनी एफर्ट्स को, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि अगले 2-3 महीने में मैं 50-60% मार्क्स कवर कर लूं। मुझे जल्दी से बताएं, पूरा बोर्ड आपके सामने प्यारे बच्चों, हाँ जी पूरा बोर्ड आपके सामने प्यारे बच्चों, मुझे बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं और किस स्ट्रेटेजी में जाऊं जिससे मैं बड़े आराम से पूरे मैं 40-50% अगले 2-2.5 महीने में कवर करके बैठ जाऊं। अगर मैं ग्रिड डी को देखूं प्यारे बच्चों तो ग्रिड डी में मेरे पास कुछ 6-7 लॉज एंड रेगुलेशंस आ रही है। अच्छी बात यह है इनमें से कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो कि कंपनीज एक्ट से या कुछ रेगुलेशंस ऐसी हैं जो कि कंपनीज एक्ट से लिंक्ड नहीं है, बट कुछ रेगुलेशंस ऐसी हैं लेट से कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और डायरेक्टर की बात यहां पे भी की गई होगी, डायरेक्टर की बात वहां पे भी की गई होगी, और डायरेक्टर की बात जो डायरेक्टर के ऊपर अपॉइंटमेंट के रेगुलेशंस हैं वहां पे भी की गई होगी। तो जब सवाल आता है तो बच्चे को यह देखना होगा कि कोर्ट से आंसर लिखना है, पब्लिक सेक्टर से लिखना है, रेगुलेशन से लिखना है कि कंपनीज एक्ट से लिखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तभी मुश्किल है, इसको आइसोलेशन में ना देखेगा। जब पेपर में सवाल आएगा तो ग्रिड डी से आपको ग्रिड ए की तरफ मूव करना पड़ सकता है। क्या यहां तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? मुझे ग्रिड ए से ग्रिड डी की तरफ, और फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कॉम्पिटिशन एक्ट है प्यारे बच्चों, ये कॉम्पिटिशन एक्ट मेरा कंपनीज एक्ट से इतना लिंक नहीं है, ये बहुत ही एक आइसोलेटेड स्टैंडर्ड है, 90% ये आइसोलेटेड स्टैंडर्ड है, इसको मैं यहीं पढ़ के यहीं डन एंड डस्टेड कर सकता हूं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है प्यारे बच्चों, ये एक आइसोलेटेड स्टैंडर्ड है, इसका इंपैक्ट इतना मेरे कंपनीज एक्ट से या बाकी सेक्शन से नहीं होगा, उसको यहीं पढ़ के मैं डन एंड डस्टेड कर सकता हूं। क्या यहां तक बात समझ आती है हमें? इसी तरीके से मेरे पास कोड ऑफ एथिक्स है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से प्यारे बच्चों, ये एक आइसोलेटेड स्टैंडर्ड है इसका, हाँ कोड पब्लिक सेक्टर, इसकी लिंकिंग मेरी वहां से बन सकती है, और जब लिंकिंग बनेगी तो तीन वहां की रेगुलेशंस भी अप्लाई हो जाएंगी, वहां के सेक्शंस भी अप्लाई हो जाएंगे, और ये कोड और रूल्स और पब्लिक सेक्टर रूल्स भी अप्लाई हो जाएंगे। मुझे देखना पड़ेगा कि कंपनी कौन सी है, लिस्टेड है, और क्या वो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आ रही है तो फिर पब्लिक सेक्टर रूल्स भी अप्लाई हो जाएगा, लेकिन उस कंपनीज के ऊपर तो कंपनीज एक्ट भी अप्लाई हो रहा होगा। दोनों चीजों को आमने सामने रख के मुझे अपने आंसर को ड्राफ्ट करना पड़ेगा। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो अगर हम अपनी स्ट्रेटेजी ये रखें कि ये जो मेरे पास स्पेशलाइज एरियाज है, और ये स्पेशलाइज एरियाज भी 100% नहीं है, मैं नेशनल बैंक ऑडिट कर चुका हूं, बैंकिंग ऑर्डिनेंस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन वो पूरा मेरे सिलेबस का पार्ट, हार्डली 15-20 सेक्शन मेरे सिलेबस के पार्ट है, और जब वो 15-20 सेक्शन पढ़ लेंगे तो हम बैंकिंग ऑर्डिनेंस को आराम से कवर कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस और हमारे पास एनबीएफसी रूल्स एंड रेगुलेशन, जहां मेरा बैंकिंग ऑर्डिनेंस हो जाएगा वो मुझे एनबीएफसी रूल्स एंड रेगुलेशन में बड़ा हेल्प करेगा प्यारे बच्चों। का यहां तक बात समझ आती है? क्योंकि दोनों का नेचर एक तरीके से सेम ही है कि पब्लिक से पैसा ले रहे हो, हाँ बैंक रिटर्न में आपको कुछ दे नहीं रहा, यहाँ पे रिटर्न में मैं आपको बेवकूफ बनाने के लिए कोई सर्टिफिकेट दे दूंगा, कोई यूनिट दे दूंगा, कोई इस तरह की चीजें दे दूंगा यहाँ पे हमारे, और एएमसी, और यहाँ पे एएमसी में और भी चीजें आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल लीजिंग कंपनीज वगैरह आ जाती है, मेरे पास हाउसिंग फाइनेंस आ जाती है, और भी सारी चीजें आ रही होती है। ये नॉर्मली मेरे बैंकिंग ऑर्डिनेंस से थोड़ा बहुत आपस में लिंक्ड होता है कि मुझे इसका नेचर समझ में आ जाता है। हाँ पिछले सालों में बैंकिंग ऑर्डिनेंस में मेरे पास जो प्रूडेंशियल रेगुलेशन होती थी कि मुझे प्रोविजन कितना चढ़ना चाहिए, बैंक्स पे IFRS 9 अप्लाई नहीं होता, बैंक्स पे बैंक के अपने प्रूडेंशियल रेगुलेशन अप्लाई होते हैं। सर कंपनीज एक्ट तो कहता है जो कंपनी होगी वो अपने अकाउंट्स किस बेसिस से बनाएगी, जल्दी जो कंपनी होगी वो अपने अकाउंट्स किस बेसिस से बनाएगी, IFRS से बनाएगी। कंपनीज एक्ट खुद कहता है हमें कि वो IFRS के बेसिस से बनाएगी। बैंकिंग ऑर्डिनेंस कहता है जो प्रोविजनिंग होगी वो किसके हिसाब से होगी, वो प्रूडेंशियल रेगुलेशन के हिसाब से होगी। सर कंपनीज एक्ट कुछ और कह रहा है, बैंकिंग ऑर्डिनेंस कुछ और कह रहा है, कौन प्रिवेल करेगा कौन प्रिवेल नहीं करेगा, ये इंशाल्लाह हम आज की क्लास से समझेंगे।
प्लस एक और बड़ी जबरदस्त चीज समझने की जरूरत है प्यारे बच्चों, ये अगर बैंकिंग ऑर्डिनेंस आपको दिख रहा है, ये ऑर्डिनेंस बहुत लिमिटेड सेक्शन आपके सिलेबस का पार्ट है। ये बैंकिंग ऑर्डिनेंस लेट से आपको मीटिंग और डायरेक्टर्स और शेयर्स के बारे में नहीं बताता। अगर वो आपको मीटिंग डायरेक्टर शेयर्स के बारे में नहीं बताता तो फिर आपको इसका आंसर ढूंढने के लिए कहां जाना पड़ेगा कंपनी, मतलब ऐसा हो सकता है कि फेस पे बैंक का सवाल हो और वो आपसे ये कहे कि जी आप लेट से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑडिट कर रहे हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक रिक्वायरमेंट डाल दी कि मिनिमम पेड अप कैपिटल इतना होना चाहिए जो हमें पढ़ेंगे इंशाल्लाह ऑर्डिनेंस में, और वो मिनिमम पेड अप कैपिटल पूरा करने के लिए बैंक को फर्दर शेयर्स इश्यू करने, आप बैंक ऑर्डिनेंस देखेंगे आपको वहां पे इतनी गाइडेंस नहीं मिलेगी प्यारे बच्चों। कहां जाना पड़ेगा फिर मुझे कंपनीज एक्ट में जाना पड़ेगा, बिकॉज बैंक्स भी जो बनते हैं वो पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट के हिसाब से ही इनकॉर्पोरेट हुए हुए होते हैं, अनलेस उस बैंक के ऊपर अपना कोई एक्ट हुआ हो जो कि पार्लियामेंट से अप्रूव हो। क्लियर है हम सारे यहां तक? ऑनलाइन वालों क्लियर हो प्यारे बच्चों यहां तक? चलिए ऑनलाइन वालों थोड़ा जवाब देते हैं, 5-10 मिनट जवाब देते हैं, फिर नमाज का ब्रेक भी ले रहे हैं। थोड़ा सा प्यारे बच्चों पार्टिसिपेट कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि इतने बड़े सिलेबस को मैं किस तरीके से, ऐसा ना हो कि हम अगले 2-3 महीने पढ़े तो अगले 2-3 महीने इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ सर ये स्पेशलाइज एरिया में 3 सेक्शंस थे कवर्ड, 10 से 15 मार्क्स कवर्ड, ये अदर लॉज में 30 से 40 मार्क्स थे इसको भी कवर्ड, सर ये 8-9 लॉज एंड रेगुलेशन पढ़ के मेरे 50 मार्क्स कवर्ड कर लिए। सर अब आते हैं यहाँ पे 500 सेक्शंस में और इन 500 सेक्शन के पीछे जो 50 रूल्स एंड रेगुलेशन है अब उसके ऊपर आते हैं, ये सुन लीजिएगा, ये रूल्स एंड रेगुलेशन भी यहाँ पे रेलिवेंट है। तो पहले जो यहाँ पे आइसोलेशन पे लिखा हुआ है प्यारे बच्चों इसको कंप्लीट करते हैं, जब इसको कंप्लीट कर लेंगे 50 मार्क्स मेरे हो जाएंगे, फिर बकिया 50 मार्क्स के लिए हम यहाँ पे इंशाल्लाह आते रहेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आसान एरिया है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से बच्चों ने बैंक्स का ऑडिट नहीं किया होता, बहुत से बच्चों ने इंश्योरेंस का ऑडिट नहीं किया होता, बहुत से बच्चों ने एनबीएफसी वगैरह का ऑडिट नहीं किया होता। हाँ कंपनीज वगैरह पे तो एएमएल भी अप्लाई होगा, कंपटीशन एक्ट भी अप्लाई होगा, बहुत से बच्चों ने अभी तक कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह मैं जो पिछले 13 साल से फर्म में हूं प्यारे बच्चों सारे ऑर्डिनेंस इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रैक्टिकली मैं देख चुका हूं। अगर एक बैंक ऑडिट कर चुका हूं तो मैंने ऑब्वियसली बैंकिंग ऑर्डिनेंस देखा हुआ है, अगर मैं कंपनी का ऑडिट करता हूं लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करता हूं तो मैंने उसके ऊपर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी देखा हुआ है, अगर मैं एसएजीसी का ऑडिटर रह चुका हूं तो मैंने पब्लिक सेक्टर रूल्स भी देखा हुआ है, पब्लिक सेक्टर रूल्स अप्लाई होगा, कोड अप्लाई होगा, क्यों अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, इन सारी चीजों को। अगर बैंकिंग ऑर्डिनेंस आपका 1962 का बना हुआ है और उसके बाद बेतहाशा सर्कुलर्स वगैरह आए हैं तो कौन सा लेटेस्ट सर्कुलर है, कौन सा पुराना सर्कुलर है, कैसे वर्किंग होती है, कैसे कैलकुलेशन होती है, वो सारी चीजें मेरे पास एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह इन चीजों का है। तो क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्लियर है हम सारे यहाँ पे? प्यारे बच्चों मैं जो आपको पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा कैसे, मैं उसके ऊपर भी आ जाता हूं, मैं 10 मिनट उसके ऊपर भी आ जाता हूँ, मैं पढ़ाऊंगा कैसे, किस तरीके से पढ़ाऊंगा। आज की क्लास में इंशाल्लाह हम एक टॉपिक भी स्टार्ट कर रहे हैं, बस सबसे पहले पहली क्लास में ये पता चल जाए यार हमें कि हमारे पास किस तरीके से एक सिलेबस है हमारा, उस सिलेबस को हमने किस तरीके से कवर करना है। क्या यहां तक बात समझ आती है ऑनलाइन वालों? तो हमें पता चल जाएगा हमारी डायरेक्शन किस साइड है, हमें पता चल जाएगा कि हमने किस साइड पर मेहनत करनी है। अब्दुल्ला ये जून 23 के लिए है प्यारे बच्चों, ये जून 23 के लिए है, लेकिन दिसंबर 22 तक एक सिग्निफिकेंट कोर्स इंशाल्लाह कंप्लीट हो चुका होगा। बट मेरी आपसे सजेशन है कि अगर आपकी अटेम्प्ट दिसंबर 22 में है तो आप क्या कहते हैं इस सब्जेक्ट के लिए अगर आपको 70-80% कोर्स के लिए एनरोल्ड होना है आप बिल्कुल हो सकते हैं, बट प्राइमरीली मेरा जो ये कोर्स है ये जून 23 और दिसंबर 23 के लिए, बिकॉज एक रीजन है जिसको मैंने इस एक साल का बैच पढ़ा रहा हूं, उसका रीजन ये है कि जिस तरीके से अब ये रिजल्ट आ रहा है और जिस तरीके से ओपन बुक है और जिस तरीके से इंटरप्रिटेशन और कंप्लायंस वाली चीजें आ रही हैं, जिस तरीके से एक एक्ट से एक रूल से एक सेक्शन से मुझे दूसरे रूल्स में जाना होता है, इसके लिए ऑब्वियसली बात है कि जी आपसे प्रैक्टिस भी ज्यादा करवानी है और आपके साथ डिस्कशन भी ज्यादा करनी है। ये ऐसा नहीं होगा, मैं इस एजम्पशन पे बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा कि आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा हुआ है। हाँ सेक्शन का आइडिया जरूर होगा, बट लॉ इस तरीके से मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा कि आपने पढ़ा हुआ है, एक एक लॉ को किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से रीड करना है। एक तीन आज हम क्लास में एक 3 लाइन का सेक्शन डिस्कस करेंगे और उस 3 लाइन के ऊपर शायद हम 30 मिनट लगा लेंगे ताकि हमें यह समझ आ जाए कि लॉ को इंटरप्रेट कैसे करना है, एक सेक्शन से कितने जहन में सवाल आ सकते हैं, उन सवालों का आंसर कैसे मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, कैसे लिंक करना है, ये सारी चीजें हमने देखी है। क्लियर है प्यारे बच्चों यहां तक हमें सारे? तो हमें 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 सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये कंपनी लॉ नहीं है, ये कॉर्पोरेट लॉज है, ये हमने बड़ा समझना जरूरी है कि ये कंपनी लॉ नहीं है, ये हमारे पास
कॉर्पोरेट लॉस है क्या? यहां तक बात, लाइक फॉर एग्जांपल ये जो जितने भी हमारे पास जितनी भी कॉर्पोरेशन हो सकती हैं, जितनी भी बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती हैं, उन सब के ऊपर क्या क्या लॉज एंड रेगुलेशंस अप्लाई हो सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ लिस्टेड के लिए है, कुछ सारी कंपनीज के लिए, तो वो इस तरह की सभी चीजों को देखना पड़ेगा। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? अच्छा, ये एक चीज सुन लें और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने पहली चीज सिलेबस को 30-40 मिनट डिस्कस कर लिया, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए प्यारे बच्चों कि सिलेबस क्या है हमारा। यहां तक जब लिख रहे थे डर लग रहा था, डरने वाली बात भी है, ऐसा नहीं है डरने वाली बात नहीं, यहां तक देख रहे थे डर लग रहा था, इसके बाद अगर मैं देखता हूं थोड़ा सा मुझे एक सुकून का सा। अच्छा, एक और बात, यहां पे जो आई कैप ने इसको टेक्निकल लेवल पे रखा हुआ है, वो मॉडरेट रखा हुआ है। यहां पे टेक्निकल लेवल, इसका मतलब है कि यहां पे पेपर जो आएगा वो सबसे मुश्किल आएगा, और इन एरियाज में मेरे पास जो मेरा 40-50-60% पेपर कवर कर रहा है उसका टेक्निकलिटी लेवल भी, उसका रीजन ये कि हर बंदा बैंक का ऑडिट नहीं कर रहा होता, सही है ना, हर बंदा इंश्योरेंस का ऑडिट है ही 3-4 इंश्योरेंस कंपनी, तो हर बंदा इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट नहीं कर रहा होता, हर बंदा एएमसी का, हर बंदे को फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट देखने का चांस नहीं मिल रहा होता, क्या हर बंदा लिस्टेड कंपनी का ऑडिट नहीं कर रहा होता है, पब्लिक सेक्टर एंटिटी का ऑडिट नहीं कर रहा होता, तो इसलिए ये वाले सेक्शंस भी उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। क्लियर है प्यारे बच्चों सारे यहाँ पे? तो आप देखें उसका टेक्निकलिटी लेवल भी कम रखा हुआ है, और मजे की बात यह कि वो आइसोलेटेड भी स्टैंडर्ड है, इतने ज्यादा लिंक नहीं है, और उसका टेक्निकलिटी लेवल भी कम है, और उसका एरिया भी, कंटेंट भी, क्वांटम भी कम है, और मेरे 50-60% आराम से कवर्ड हो सकते हैं। क्या यहां तक बात समझ आते हैं? लाइक वाइंडिंग आपको पढ़ने जाएंगे तो 150 सेक्शन हमारे चलते रहेंगे, और वाइंड कंपनी वाइंड नहीं होगी ना, सिलेबस वाइंड अप होगा। अगर आप वाइंडिंग अप पढ़ने गए पहले तो आप ना सिलेबस वाइंड अप कर सकेंगे, ना आप कंपनी को वाइंड अप कर सकेंगे उसके अंदर इतने ज्यादा। लेकिन अगेन ये टेक्निकल सेक्शंस नहीं है, ये टेक्निकल इतने सेक्शंस नहीं है, ये लेंथी सेक्शंस है। क्यों? कोई ऐसा लॉ नहीं हो सकता यार कि आप क्रेडिटर के पैसे खा के बैठे हुए हो, आप शोल्डर के पैसे खा के बैठे हुए हो, आप बैंकर्स के पैसे खा के बैठे हो, और 2 मिनट में जाके आप कंपनी वाइंड अप करा, तो फिर वो पैसे मांगे किससे? शोल्डर से नहीं मांग सकते, उसके तो लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स ही, तो भाई पैसे मांगे किससे? कंपनी बंद तो बंद, वो तो लिमिटेड बाय शेयर सेक्शन का रेफरेंस लेगा और बोलेगा भाई मेरी तो जिम्मेदारी लिमिटेड थी टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स। इतने आराम से कंपनी वाइंड अप नहीं हो सकती, जब तक जिसको सारा हिस्सा नहीं मिल जाता, सारी चीजें नहीं हो जाती, सारी फेयर वैल्यू डिटरमाइन नहीं होती, कौन बंदा डिटरमाइन करेगा, कौन बंदा डिटरमाइन नहीं करेगा, जब तक वो सारी चीजें नहीं होगी कंपनी वाइंड अप नहीं हो सकती। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों यहां तक सारे? वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको ये भी बता देता हूं आमिर खान, मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूं यार, इसको नीचे कर सकते हैं हम थोड़ी देर के लिए। उस एक सेक्शन को पढ़ के मैं आपके सामने 10 सवाल करूंगा, हमें उसका आंसर उस एक सेक्शन को ढूंढ के निकालना है, सही? तो अगर आप सेक्शंस को देखेंगे लॉ में तो उसकी वर्डिंग्स बड़ी अजीब है, सही है, उसको बड़ा क्या कहते हैं टेक्निकलिटी लेवल पे उसको ड्राफ्ट किया गया है, और मुश्किल बड़ी आती है, प्लस चीजें आपस में थोड़ी सी लिंक्ड भी हो रही होती है। तो इसके लिए मैंने करा क्या है कि हर सेक्शन के ऊपर मैं इस तरीके से आप लोगों को हैंडआउट्स और नोट शेयर करूंगा, इससे आपको आइडिया हो जाएगा, पूरा फ्लो चार्ट और स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमारे सेक्शंस अप्लाई होंगे, कौन सी चीज किसके ऊपर अप्लाई होगी, कौन सी चीज इसके ऊपर। मैं आपके सामने अभी एक सेक्शन पढ़ूंगा, 10 मिनट तक आप वो सेक्शन ही गलत पढ़ते रहेंगे, 10 मिनट तक आप वो सेक्शन ही गलत पढ़ते रहेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो ये जितनी भी चीजें प्यारे बच्चों, जितनी भी चीजें, ये सारी की सारी आपको इस तरीके से प्रोवाइड की जाएगी, ताकि हमें आइडिया हो जाए, ताकि हम एक सेक्शन पढ़ के कंक्लूड कर लें कि इसकी ये इंटरप्रिटेशन निकल रही है, ये इस तरीके से इन इन चीजों के ऊपर अप्लाई होगा, ताकि मैं पेपर में आराम से सेक्शन को लिंक कर सकूं। विधान साहब देखें, पेपर में आपने कंपनीज एक्ट लेके जाना होता है, तो मेरे आपको हर सेक्शन के ऊपर इस तरीके से हैंडआउट्स मिल जाएंगे, सही है, और एट दी एंड अगर आप चाहते तो मैं इन्हीं का प्रिंट करा के आपको किताब दे दूंगा। क्लियर है प्यारे बच्चों यहां तक? तो हम हर सेक्शन को पढ़ेंगे और उस सेक्शन के एंड में हम कंक्लूड कर लेंगे कि किस तरीके से चीजें लिखी गई हैं, और अगर कोई हमारे पास सर्कुलर्स वगैरह भी होंगे या जो चीजें होंगी तो वो भी इस हैंडआउट के साथ आपको अटैच करके दे दी जाएगी, ताकि ए टू जेड चीजें आपको प्रोवाइड कर सके। आज की क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंकिंग ऑर्डिनेंस देखेंगे, और बैंकिंग ऑर्डिनेंस में अगर आप कैश रिजर्व फंड देखेंगे, कैश रिजर्व फंड की वर्किंग देखेंगे, तो वो कहता है 2% और 5%, सही है।
लेकिन इसके बाद एक सर्कुलर आ चुका है, और सर्कुलर के बेसिस पे एक बार नहीं कोई ये 2 बार रिवाइज हो चुका है। एक बार 5% हुआ था, फिर आप आज करंटली 6% चल रहा है। तो ये भी जो चीजें हैं और इसके भी जो सर्कुलर हैं वो भी सारे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और यहाँ पे लिख दिए जाएंगे, ताकि आप बड़े आराम से इसको बैठ के हम कर सकें। एक लॉ को अगर हम पढ़ रहे हैं तो जितनी भी इंटरप्रिटेशन निकल सकती है उसके, जितने भी अपडेटेड सर्कुलर, वो सारे के सारे आपको एक जगह समराइज होकर मिल जाएगा। यहां तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? अच्छा, एक आखिरी चीज सुन लें, और ये बड़ा अहम है, ये बहुत अहम है प्यारे बच्चों, एक आखिरी चीज, और अगर आप ये सुन लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं ये सब्जेक्ट टीच क्यों करने जा रहा हूं। इस सब्जेक्ट में जो सबसे बड़ा मसला है वो किस चीज का है, बोलिए। आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल्स अभी से ट्रेलर दिया है कि किस तरीके से चीजें आपस में लिंक्ड हो सकती है। क्या यहां तक बात समझ आती है? इस सब्जेक्ट का जो सबसे बड़ा मसला है, जो सबसे बड़ा मसला है वो है मेरा ड्राफ्टिंग का, सबसे बड़ा मसला है। लॉ को पहले देखें, सुनिएगा, ओपन बुक पॉलिसी से पहले वो आपको ये देखता था कि आपको रट्टा आता है कि नहीं आता। ड्राफ्टिंग नहीं होती थी, 80% पेपर ये होता था कि ड्यूटीज डायरेक्टर्स रिपोर्ट के कॉन्टेंट बता दो। क्या होता था? डायरेक्टर्स रिपोर्ट के कॉन्टेंट बता दो, सही है। पहली मीटिंग कब होगी, दूसरी मीटिंग कब होगी मुझे बता दो, सेक्शन बता दो। प्यारे बच्चों, फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया क्या होगा मुझे वो बताओ, चीफ एग्जीक्यूटिव कैसा दिखना चाहिए मुझे। अब जो पेपर आ रहा है वो किस तरीके का पेपर आ रहा है, वो एक सिनेरियो बेस्ड पेपर आ रहा है। यही वो रीजन है जो कि मुझे अट्रैक्ट करा है इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, कि इस स्टैंडर्ड की जो भी इंशाल्लाह लिंकिंग होगी, जो भी इसकी ड्राफ्टिंग टेक्निक होगी, किस तरीके से ड्राफ्ट करना है हमने, किस तरीके से लॉ को इंटू, क्योंकि अब जब ड्राफ्टिंग आ रही है और लिंकिंग आ रही है तो इसका मतलब है बड़ा इंपॉर्टेंट है मुझे इंटरप्रेट करना लॉ को। अगर मैं लॉ को इंटरप्रेट ही सही नहीं कर सकूंगा, मैं कभी भी एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकूंगा। मैं आज की क्लास में तीनों चीजें प्रूफ करके दिखाऊंगा, मैं आपको, मैं आज की क्लास में ये तीनों चीजें आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैंने जो मेहनत करनी है वो इन चीज के ऊपर करनी है। मैंने आपको स्टैंडर्ड पढ़ाना है, मैंने स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है कि मैं उसको उर्दू में ट्रांसलेट करूंगा। सेक्शन सामने रखेंगे, साथ बैठ के पढ़ेंगे, क्या 10 सवाल निकल सकते हैं इस पे, किस पे अप्लाई होगा, किस पे अप्लाई नहीं होगा, अगर ये केस हो गया तो अप्लाई होगा नहीं होगा, इन सारी चीजों को इंटरप्रेट करके हमने डिस्कस करना है। हमने जितने भी पास, अच्छा पास पेपर्स भी, जो पुराने वाले पास पेपर्स हैं वो तो नल एंड वॉइड हो चुके हैं। जो पास पेपर्स हमारे पास है प्यारे बच्चों, जो हमारे पास रिसेंट 3-4 अटेम्प्ट के पास पेपर्स हैं, प्लस हमारे पास जो एक प्रैक्टिस किट है उसमें जो हमारे पास क्वेश्चन बैंक्स हैं, उसके थ्रू हमने ड्राफ्टिंग को देखना है कि हमने ड्राफ्ट करना कैसे है। असल मसला ये भी होता है कि बच्चा इस चैनल को जब लिंक भी कर लेता है तो लिंक करने के बाद उसको ड्राफ्ट नहीं कर पा रहा होता, तो उसकी ड्राफ्टिंग भी देखनी है, उसकी इंटरप्रिटेशन भी देखनी है, और ऑब्वियसली ऑब्वियसली कुछ स्टैंडर्ड्स की लॉजिक्स भी होती हैं, कुछ हमारे पास सेक्शंस की लॉजिक भी होती है, उन लॉजिक के ऊपर भी हमने इंशाल्लाह काम करना है। देखिए, इंटरप्रेट करते हुए आपने लॉजिक अप्लाई नहीं करें तो आप कभी भी इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, ये समझिएगा मेरी बात को। अगर इंटरप्रिटेशन करते हुए आपने लॉजिक अप्लाई नहीं करी, आप कभी भी लॉ को इंटरप्रेट कर ही नहीं सकते। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो हमने इन चीजों के ऊपर काम करना है, ये इंशाल्लाह मेरी जिम्मेदारी है, ये मैं आपके साथ करता रहूंगा इंशाल्लाह। आपने भी मेहनत करनी है, मैंने भी मेहनत करनी है। जिस तरह एडवांस ऑडिट टेक पढ़ता था, निहायत ही लिंक सब्जेक्ट था, लॉजिक थी उसके अंदर, ड्राफ्टिंग थी, मेरा इंटरेस्ट था, मैंने वो सब्जेक्ट पढ़ाया, माशाल्लाह अच्छे से डिलीवर किया। इस सब्जेक्ट में जब से ये ओपन बुक पॉलिसी हुआ है, आप यकीन करें कि मेरा जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है सब्जेक्ट में, वो इसी वजह से क्रिएट हुआ है, क्योंकि बच्चे को अब याद नहीं करना है, बच्चे को बैठ के आपने आपने ऑर्डिनेंस खोलना सिखाना है, उसको एक्ट खोलना सिखाना है, किस तरीके से, किस, जिस तरह हम आयजाज में एक आयजा, दूसरे आयजा, दूसरे आयजा से तीसरा आयजा, इंशाल्लाह यही चीज, यही पैटर्न हमने कहाँ फॉलो करना है, यहाँ फॉलो करना है, ड्राफ्टिंग टेक्निक्स देखनी है, ताकि हम इंशाल्लाह इसके ऊपर काम कर सके। क्या यहाँ तक क्लियर है प्यारे बच्चों? ऑनलाइन वाला आप लोग क्लियर हो बेटा? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस कोर्स की क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स की ये चीज होगी कि हम इसको अभी पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, चीजें आइसोलेशन में देख रहे होंगे, जहां लिंक हो रही होंगी लिंक कर रहे होंगे। इस बैच का जो सबसे ज्यादा फायदा होगा वो ये होगा कि जहां हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, हम बैच कंप्लीट नहीं करेंगे, हम उसके बाद अब फिर सारी चीजों को एक साथ एक वे में, इसको 6-7 दिन के अंदर कवर करने की
कोशिश करेंगे शॉर्ट वर्कशॉप टाइप रखेंगे ताकि बच्चे के सामने सारे जब कंपनीज एक्ट के सेक्शन सारे रेगुलेशन आ रही होंगी तो इसको रियलाइज हो रहा होगा कि हाँ यार चीजें इस तरीके से चल रही है और इस तरीके से लिंक्ड है। तो जो असल पर्पज है वो ये जिस तरह एक 6-7 दिन का वर्कशॉप रख के आप सेक्शन 1 से लेके वाइंडिंग अप तक जा रहे हो, फिर उधर बैंकिंग ऑर्डिनेंस में जा रहे हो, फिर इंश्योरेंस में जा रहे हो, फिर एनबीएफसी में जा रहे हो, फिर कोर्ट को देख रहे हो, डायरेक्टर का सेक्शन पढ़ा के देखें, आज हम कोर्ट पढ़ रहे हैं, लेट से शायद 10 दिन बाद डायरेक्टर का सेक्शन पढ़ रहे होंगे, बट जब वो सेशन हमारा होगा तो उसमें इंशाल्लाह जब एक बार कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमने एक काम जो बहुत अहम है वो ये है कि इन सारी चीजों को हमने एक ही वे में लिंक करके देखना है ताकि वो बच्चे से जो पेपर सवाल हैंडल नहीं होता है वो एक सिनेरियो आ जाता है, बच्चे को ये नहीं पता होता कौन से लॉज अप्लाई हो रहा है, कौन सा लॉ कहाँ से लिंक हो रहा है, कौन सी रेगुलेशन अप्लाई हो रही है, इंशाल्लाह वो चीज उसकी थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए। क्लियर है प्यारे बच्चों यहां तक? तो ये चीज, इस चीज से आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। प्लस पास पेपर्स के अलावा पढ़ते हुए खुद हम 10 सवाल बना रहे होंगे कि अगर पेपर में ये लिखा हुआ आ जाए तो बताएं आप क्या करेंगे, अगर ऐसा लिखा हुआ होगा तो क्या करेंगे, अगर ये रिक्वायरमेंट है तो क्या करेंगे। तो ये तो पेपर में हम इन चीजों को इंशाल्लाह खेल लेंगे। बच्चों क्लियर है हम सारे यहां तक? ऑनलाइन वालों अगर आप लोग क्लियर हो कि सवाल हो मुझसे पूछे ताकि हम नमाज का ब्रेक लें, नमाज के ब्रेक के बाद हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962 कुछ स्पेशलाइज एरियाज के बाद अदर एरियाज, और हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि अगले 2-3 महीने में एटलीस्ट इस 50% सिलेबस को हम खत्म करें। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? मिनाल वो मैं बता दूंगा क्लासेस कब होंगी प्यारे बच्चों, वो मैं आपको बता दूंगा क्लासेस कब होंगी, उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहे। ऑनलाइन वालों कोई कोर्स से रिलेटेड सवाल मेरे प्यारे बच्चों तो हम 15 मिनट बाद डिस्कस करते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं नमाज का, और ठीक हम 15 मिनट बाद मिल रहे हैं, और 15 मिनट बाद मिलकर हम इंशाल्लाह एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बैंकिंग ऑर्डिनेंस। क्लास का एजेंडा क्या होगा हमारा सुन लीजिए, हमारा एजेंडा क्या होगा, हमारा एजेंडा ये होगा कि हमने 3-4 सेक्शन पढ़ने, आज 3-4 सेक्शन को पढ़ने किस तरीके से, उर्दू में ट्रांसलेट नहीं करने ऑब्वियसली सेक्शन में, और आप दोनों रीड करेंगे। कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा, कुछ सवाल आप मुझसे पूछेंगे, जब आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो थोड़ा बहुत हमें आज की क्लास में जो मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं लिंकिंग ड्राफ्टिंग इंटरप्रिटेशन लॉजिक हमें इंशाल्लाह आज की क्लास में ही कवर हो जाएगा। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों सारे यहां तक? चलें जी इंशाल्लाह प्यारे बच्चों ठीक 15 मिनट बाद मुलाकात होती है, नमाज पढ़ें, दुआ करें, इंशाल्लाह मिलते हैं, बहुत शुक्रिया।